वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो पे ग्रुप डी का जो एग्जाम आप लोगों का, अच्छा आपका क्या नाम हुआ? अभिनव। अच्छा तो आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आजकल? प्रैक्टिस में तो टेस्ट ही दे रहे हैं अभी रोज का। मैथ्स तो हो गया तैयारी पूरी तरीके से? चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। अच्छा प्रक्रिया में है। और ये एनटीपीसी का भी आप लोग दिए भरे थे कि नहीं? हाँ एनटीपीसी का भी भरे। रेलवे की तैयारी करते हैं या मतलब और भी तैयारी करते हैं? नहीं बाकी फॉर्म भी भरते हैं, जैसे कि एसएससी का भी डालना है, रेलवे का भी डालना है, एनटीपीसी भी डाले हैं। हाँ हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी सब वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सब है आगे उन सब के लिए पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल वगैरह का भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे एनटीपीसी भी आप डाले? हाँ रेलवे एनटीपीसी भरे हैं कि नहीं इस बार? हाँ ग्रुप डी भर रहे हैं। पिछला बार भरे थे नहीं? पिछला बार ग्रुप डी नहीं भरे थे, कुछ कारणवश से छूट गया था, इस बार ग्रुप डी भर रहे हैं। ये लोग क्या क्या मतलब पढ़ ले कम समय में, मतलब मैथ्स पैसे टेस्ट क्या जरूरी रहता है? नहीं कम समय में पढ़ने के लिए देखिए शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, पहले से जो शॉर्ट नोट्स है उसी को रिविजन करिए बस, और जो टेस्ट है रेगुलर उसको लगाते रहिए, स्कोर बूस्ट होगा उससे। अच्छा क्या करें करंट अफेयर्स के लिए? वही जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, जो टॉपिक हो एसपीडी वगैरह का बुक आता है उसमें से पढ़ते रहिए, और ये क्या कहते हैं एक दो चैनल सब है जो उसको सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए, सही रहता है। कल वाली जो ये बैच चल रही है रीजनिंग का और मैथ्स का मैंने लाया है, उसको आप सब लोग उधर ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ हाँ बस कर रहे हैं। कल जीएस का क्लासेस था वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था आपका क्लास, अच्छा था क्लास। चलिए ठीक है दोस्तों।